पिछले ठेका पे दारू पी करके इस यहाँ तक आते आते आदमी सोचते हैं कि ममता बनर्जी बनेगी प्रधानमंत्री, और यहाँ से अगले ठेके पर दारू पी करके अगले ठेके पर जाकर के आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। कितना दे दूँ? 60,000 करोड़। कितना दे दूँ? 70,000 करोड़। कितना दे दूँ? तो 1,20,000 करोड़। 1,20,000 करोड़ नीतीश कुमार का स्टेटमेंट है कि कभी मिला ही नहीं बिहार को। क्या भाई, कहाँ से भैया? बिहार से। अच्छा, बिहार की बात कर रहे थे हम लोग अभी सर से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला पर अतिरिक्त पैकेज मिल गया, बढ़िया मिल गया। देखिए मायने क्या रखता है कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य और पूर्ण राज्य, जैसे बिहार विशेष राज्य पे है, जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य पे है, तो विशेष राज्य और पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए क्रिटेरिया होता है, जब उसके लिए वेरिएबल होगा तो मिल जाएगा, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो काम हो रहा है भाजपा की सरकार में बहुत अच्छा हो रहा है। क्रिटेरिया मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिटेरिया तो पूरा होगा ही नहीं कभी, क्योंकि जो विशेष राज्य का दर्जा है वो मिलता है किनको? मिलता है जो पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ पर जनजाति है, जो आबादी वो ज़्यादा है, उनको मिलता है। वो तो बिहार ही नहीं है वहाँ पर, इसी के वजह से डिले हो रहा है और कुछ नहीं है। बाकी जब बात होती है बिहार की तो आप कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा। लालू यादव जी अपने राज्य में मुजफ्फरपुर में एक गाँव आता है, उनको पूर्ण गाँव का दर्जा दे दिया था, बहुत अच्छा उनको विशेष गाँव का दर्जा मिला था पटना के हाई कोर्ट में, और उस गाँव में ये सड़क और पानी बिजली आया हुआ है 2005 के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को क्या समझ में आता है कि क्या होता है विशेष राज्य या पूर्ण राज्य या पूर्ण गांव। सर कह रहे थे कि गरीब के लिए कुछ हुआ नहीं, देश में 13-14 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, सारा अंबानी है इस देश में, 13 करोड़ लोग। देश में 4 करोड़ को पक्का मकान मिला, वो सारे अंबानी के लोग हैं, वो लोग गरीब नहीं है। अभी जो युवा को कहते थे कि खटाखट वाला स्कीम विपक्ष के तरफ से चल रहा था, लेकिन मोदी जी के तरफ से युवा को ये या युवा को एक स्किल रोजगार के तहत इंटर्नशिप पे 5,000 हर महीना दिया जाएगा और अच्छी कंपनियों में नौकरी के लिए उनको ये उत्प्रेरित किया जा रहा है। ये चीज़ें नहीं हो रही है भाजपा की सरकार में। अब महंगाई का बात करते हैं, पिछले ये कोरोना के 2-3 साल के मार में देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाई, उल्टे अर्थव्यवस्था बढ़ा, तो महंगाई तो होगा। सिर्फ महंगाई भारत में नहीं है, महंगाई दर में पाकिस्तान, ये फ्रांस जैसे देश, इटली जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, देख लीजिए जाकर के महंगाई की स्थिति क्या है। उसके बाद जब आप वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, आपको बता देते हैं देश पे कर्ज वाली बात जब होती है तो अमेरिका में $28 ट्रिलियन वहाँ का बजट है, अब वहाँ पे कर्जा है $38 ट्रिलियन। ये देश की बात करते हैं, देश में विकास नहीं हुआ पिछले 10 साल में? पिछले 10 साल में देश में जब नया पार्लियामेंट बना है इस देश में, कांग्रेस के मानसिक गुलामी से बाहर निकले, तो इस देश में विकास नहीं हुआ है? देश में इतने 8 शहर से 22 शहर मेट्रो बन जाते हैं देश में विकास, पिछले ठेका पे दारू पी करके इस यहाँ तक आते आते आदमी सोचते हैं कि ममता बनर्जी बनेगी प्रधानमंत्री, और यहाँ से अगले ठेके पर दारू पी करके अगले ठेके पर जाकर के आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये जो केजरीवाल का मुफ्त वाला शराब चल रहा है, यही विपक्ष के आदमी, ये विपक्ष के आदमी और जो चाटुकार लोग हैं उनको बरगला दिया गया है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार वहाँ होती है, सब सरकार परिपूर्ण नहीं होता, परिपूर्ण होता तो सीटें नहीं घटती, यूँ उत्तर प्रदेश में सीटें घटी हुई है भाजपा की। तो जब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो तो सीटें घटेगी, ऑब्वियसली बजट जो आया है उससे खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, बिहार को पहली बार बजट में इतना अच्छा लाभ मिल रहा है, बिहार और आंध्र को दोनों ऐसी 10 साल में पहली बार, 10 साल में पहली बार मिला है ना बिहार को स्पेशल, 10 साल में। ठीक है, मोदी एक चीज हम और बोले, मोदी जी ने 2015 के वहाँ पे विधानसभा के चुनाव में बोला था, वो भाषण अभी वायरल भी हो रहा है, बिहार में बोल रहे थे कितना दे दूँ? 60,000 करोड़। कितना दे दूँ? 70,000 करोड़। कितना दे दूँ? तो 1,20,000 करोड़। 1,20,000 करोड़ नीतीश कुमार का स्टेटमेंट है कि कभी मिला ही नहीं बिहार को। ये मिला है बिहार को लेकिन पहली बार मिला, हमारा भी तो मुद्दा ये, लेकिन हम चुन रहे थे कब से, 2014 से, पहली बार मिला है अभी, पहली बार मिला है। ये बजट का बात किए जानकारी हम बताते हैं, अभी इसलिए मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि सरकार कहीं टूट ना जाए, इसलिए। बिहार से ही हूँ, बिहार के मधेपुरा में मेरा घर है, मैं पूर्णिया से स्नातक किया हूँ, ग्रेजुएशन पूर्णिया से हुई हमारी, 14 के बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया बना, एक जिले की बात कर रहा हूँ, पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना है वहाँ पे, पूर्णिया में सिंथेटिक एथलीट ये ट्रैक बना हुआ है जहाँ पे पहली बार ओलंपिक को ये पारा ओलंपिक होगा, ठीक है। पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट बना है जिसमें 10,000 से ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए जमीन खाली हो रहा है, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने वाला है। पूर्णिया में GMCH मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में बना है। अगर एक शहर में 5 ऐसे काम हम गिनवा दिए, सिर्फ एक शहर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो बिहार का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनको पता है। उसके बाद कलकत्ता से बिहार का कलकत्ता, पटना से कलकत्ता एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वंदे भारत बिहार में चला, ये सब विकास कर रहे हैं। सड़क पानी बिजली सुरक्षा में बिहार की स्थिति देखिए क्या है, बिहार के युवा आज राजनीतिक से लेकर के कहाँ तक पहुँच गए, इन लोगों को लग रहा है कुछ नहीं होगा, ये राजनीतिक लोग जो वंदे भारत मिला है बिहार को,
बिहार को वंदे भारत मिला लेकिन बिहार का 90% पॉपुलेशन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका किराया 2000 प्लस है। आप बिहार को देखना है ना तो जनरल बोगी और स्लीपर बोगी में देखो कैसे भर भर के आते हैं और कैसे आप दिल्ली के 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार की नौकरी करते हैं। सच्चाई ये है। अब रही बात इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं दिया गया, पिछले 10 साल में भी उतना भी नहीं दिया गया जितना पहले दिया गया था। मेधपुरा में रेल इंजन कारखाना है, बताना भूल गए, वहाँ पे रेल इंजन कारखाना भी है। था नहीं है, है अभी है, अभी भी है। सुनिए ये कहे कि बिहार पर एक सवाल, मेरा सवाल है कि बिहार को लेबर फैक्ट्री कहा जाता है,